हरिभूषण ठाकुर बचौल लगता है मानसिक तौर पे गड़बड़ा गया। ऐसे पागल व्यक्ति की जगह बिहार विधानसभा में आ गया था पागल। हमें लगता है कि अविलंब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बचौल पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। अग्निवीर योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। अब बीजेपी विधायक ने अपना बयान जारी कर राजनीतिक हलचल तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक बचौल के तरफ से छात्रों को लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों को जिहादी बताया और उनका कहना है कि सेना में लोग अपनी मर्जी से जाते हैं देश की सेवा करने के लिए, ना कि सुख सुविधाओं के लिए। अब इनके बयान के बाद हम के तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान के तरफ से बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी जगह बिहार विधानसभा में नहीं बल्कि आगरा के पागलखाने में है। अगर कोई छात्र योजना का विरोध करता है तो उसने जिहादी बताया जा रहा है। पहले सुनिए दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल लगता है मानसिक तौर पर गड़बड़ा गए हैं। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई किसी योजना का विरोध कर रहा है, अगर हम अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम जिहादी हैं। मुझे लगता है ऐसे पागल व्यक्ति की जगह बिहार विधानसभा नहीं आगरा का पागलखाना है। ये मानसिक तौर पे थोड़ा गड़बड़ा गए। अब सीआरपीएफ कवर मिल गया है, अब जो अनाप शनाप बकना है बकिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को बिहार और भारत की इतनी चिंता है तो अविलंब, चूंकि सेवा के लिए इलेक्टेड बन के विधायक हुए हैं, अविलंब अपने सैलरी को खत्म करें और साफ तौर पे घोषणा करें कि अगर वो चुनाव हार जाएंगे, पूर्व हो जाएंगे, तो कोई पेंशन का लाभ भी नहीं लेंगे। देश की इतनी चिंता है तो देशभक्ति दिखाइए ना। पेंशन खा करके सैलरी, जनता सेवा के नाम पर विधायकी का सैलरी खा करके और सैनिकों को कोस रहे, शर्म नहीं आ रही है? हमें लगता है कि अविलंब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बचौल पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। बल्कि आगरा के पागलखाने में है, वो उन्हें पागल कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी के तरफ से उन पर कार्रवाई करने की भी बात दानिश रिजवान ने कही है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार भर में बवाल मचा है और इसी बीच बचौल ने यह बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। बचौल ने कहा कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो जिहादी है, वो सैनिक में लोग अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं देश की सेवा करने के लिए, ना कि सुख सुविधा भोगने के लिए। अब दानिश रिजवान ने बचौल को खूब सुनाया है और यहाँ तक उन्हें पागल भी कह दिया है। लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। आरजेडी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है और आरजेडी की तरफ से भी बचौल को खूब सुनाया गया है। लगातार बचौल पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।